Hello friends, this is Poonam Soni, assistant professor, Biyani Girls College. Today, we are going to discuss about non-deterministic finite automata, NDFA also. It is sometimes also known as NDFA. DFA, hum isse pehle padh chuke hain, deterministic finite automata. To sabse pehle hum dekhte hain, how do we define in non-deterministic finite automata? Hum usko define kaise karte hain? To similarly, as we define a DFA, वैसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं यूजिंग फाइव टपल, कैपिटल क्यू समेशन डेल्टा क्यू जीरो एंड एफ. इसमें सब कैपिटल क्यू इज द सेट ऑफ और नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, जिसमें हम सारी स्टेट्स अपने एनडीएफए में जितनी भी स्टेट्स होंगी वो सारी इस सेट के अंदर आ जाएंगी. सेकंड इज द सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, जिसके अंदर हम जो भी इनपुट सिंबल्स लगाएंगे अपने डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर वो सारे इनपुट सिंबल्स इसके अंदर आ जाएंगे. थर्ड इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन. ट्रांजिशन फंक्शन कौन से स्टेट पे क्या इनपुट लगाने से व्हाट कुड बी द पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द डेल्टा, कि क्या कौन सी प्रेजेंट स्टेट पे करंट स्टेट पे हम क्या इनपुट लगाएंगे जिससे कि हम नेक्स्ट स्टेट में जा रहे हैं, कौन सी नेक्स्ट स्टेट हमारी होगी, तो वो आपको बताएगा कौन, डेल्टा. नेक्स्ट इज क्यू जीरो, दैट इज द इनिशियल स्टेट, एंड नेक्स्ट इज द एफ, कैपिटल एफ, सेट ऑफ द फाइनल स्टेट्स. जैसा कि हमें पता है कि एक ट्रांजिशन सिस्टम और एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर एक फाइनाइट ऑटोमेटा में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, कि ट्रांजिशन सिस्टम में मोर देन वन इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं, जबकि आपके ऑटोमेटा के अंदर सिर्फ एक ही फाइनल स्टेट होती है. दैट्स वाई वी आर रिप्रेजेंटिंग इट यूजिंग द स्मॉल कैपिटल क्यू एंड जीरो. और फाइनल स्टेट को हमने कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि मोर देन फाइनल स्टेट्स आपकी इसमें हो सकती हैं. तो ये हमने डिस्क्रिप्शन दिया है थोड़ा सा, और यहाँ हम देखेंगे कि हाउ वी कैन डिफाइन इन फाइनाइट ऑटोमेटा यूजिंग एन एग्जांपल. तो हम देख सकते हैं क्यू जीरो पे हमने ज़ीरो लगाया तो हम ज़ीरो पे आ गए, इससे हम सॉरी क्यू जीरो पे आ गए, क्यू जीरो पे हमने ज़ीरो लगाया तो वी हैव मूव्ड टू क्यू ज़ीरो. ठीक है, जैसा हम डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में भी इसी तरीके से हम ट्रांजिशन फंक्शन लिखते हैं. दूसरा हमने बोला कि Q0 पे जब हमने ज़ीरो लगाया तो वी मूव्ड टू Q1, ने ज़ीरो लगाया तो वी मूव्ड टू Q1, रेस्ट ऑफ द वर्किंग इज सेम. Q1 पे हमने वन लगाया तो वी मूव्ड टू Q1, डेल्टा आई कैन रब दिस. जब हमने Q0 पे ज़ीरो लगाया तो एक पॉसिबल ट्रांजिशन तो क्या है कि हम Q0 पे ही रह जाएं. दूसरा, जब हमने Q0 पे ज़ीरो लगाया तो क्या ट्रांजिशन हो सकता है कि वी मूव टू Q1. ठीक है, फिर तीसरा हमने बोला कि Q1 पे जब हमने वन लगाया तो वन पॉसिबल ट्रांजिशन इज़ कि स्टे एट Q1, और जब हमने Q1 पे वन लगाया दोबारा, दिस इज़ वन दिस इज कॉमा, सो हम मूव कर जाएं Q2 पे. नाउ यू कैन इजीली सी कि एक स्टेट पे, एक करंट स्टेट पे अगर हम एक इनपुट लगा रहे हैं तो हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं मूव करने के लिए. तो सो विच वन टू चूज, दिस इज द नॉन डिटर्मिनिज्म ऑफ दिस डीएफए. यही कह रहा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक, बिकॉज इसका बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक नहीं है. डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा में हमने क्या देखा था कि अगर एक स्टेट पे हम एक इनपुट लगा रहे हैं तो हमारे पास में सिर्फ एक पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट आ रही है, जबकि यहाँ पे वी आर गेटिंग मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. तो बेसिकली जो डिफरेंस है एक डीएफए में और एक एनडीएफए में वो सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन का है. हमने जब लिखा था डीएफए का, जब हमने ट्रांजिशन फंक्शन लिखा था, यू माइट रिमेंबर इट, क्यू क्रॉस समेशन से हम जा रहे थे क्यू में, अ सिंबल और अ स्टेट विच इज इन क्यू, एक स्टेट पे हम ट्रांजिशन कर रहे थे. लेकिन जब यही ट्रांजिशन फंक्शन, दिस इज व्हाट वी आर राइटिंग अबाउट डेल्टा, यही ट्रांजिशन फंक्शन जब हम लिखते हैं एक, दिस इज फॉर डीएफए, यही ट्रांजिशन फंक्शन जब हम लिखते हैं एनडीएफए के लिए, सो इट इज टू टू द पावर क्यू विच इज ऑल्सो अ पावर सेट ऑफ क्यू.
power set of Q. Power set matlab set of all the subsets of Q. So, why this is so? Because we are getting more than one options to move to the next state. So, this is the basically major difference between DFA and NDFA. Now, next let's see how we can convert an NDFA to an equivalent DFA. हम ये देखते हैं कि NDFA को हम equivalent DFA में कैसे convert कर सकते हैं. We were talking about the equivalence of DFA and NDFA, that how to convert a given NDFA into an equivalent DFA. एक given NDFA को हम DFA में कैसे convert कर सकते हैं? तो suppose we are given this state transition table for the DFA, NDFA. NDFA का ये state transition table हमें given है और हमें इसको एक equivalent DFA में convert करना है. तो हम देख सकते हैं कि set of states इसमें दो हैं. Set of states मतलब एक set of state हमारे पास में जिसमें दो members हैं Q0 और Q1. दो हमारे पास में input है 0 and 1 and these are the transitions. तो जहाँ पे भी हमें इस तरह का दिख जाए किसी transition में more than one state में हम transit कर रहे हैं. So this is basically how we can recognize कि ये table एक NDFA को depict कर रहा है क्योंकि यहाँ पे transitions में हमें दो states में दिख रहा है. तो पहले हम बात करते हैं DFA में DFA का set of states क्या होगा. यहाँ पे set of states है Q0 and Q1. ठीक है, तो DFA में कौन कौन सी possible states होंगी? तो इन states के सारे subsets, मतलब हमारे पास में major क्या है sets, sorry states Q0 और Q1, इनके सारे subsets. ठीक है, तो एक possible हो गया आपका Q0, एक हो गया अपना Q0 Q1, दोनों का combination से जो set बनेगा, और एक individual आपका Q1 हो गया. ठीक है, so these will be the possible states in DFA. Input symbol आपका same रहेगा 0 and 1. Now if we talk about the set of final states, तो final state, जिन भी states में अपना इसके अंदर final state क्या है? Q0, क्योंकि उस पर आपका circle है. It means Q0 आपका final state है. तो अब इन state में से Q0 जहाँ पे भी आ रहा है, those will be considered as the final states. तो यहाँ से अपना हम बता सकते हैं that Q0 will be final state and Q0, Q1. Will also be a final state. तो ये एक set हो गया अपने पास, ये एक set हो गया और ये एक set हो गया. ठीक है, तो ये अपने tuples रहेंगी. अब जो major चीज़ है, जो major set है अपने पास में, या फिर major जो हमारा tuple था, that was delta, उसके लिए we will try to make the table. अब इसी table को हमें convert करना है into an equivalent DFA table. तो हमने लिख दिया states सबसे पहले. Then inputs of DFA. Now we are writing with respect to the DFA. NDFA ka hame already given hai. We have to convert it into an equivalent DFA. So states hame likhni hongi. Ye wali jo humne DFA ki states likhi hai. So in pehli state ho gayi apni Q0. Dusra state ho gaya aapka Q0, Q1. इनिशियल स्टेट आपका वही रहेगा जो इनिशियल स्टेट इसमें गिवन है अपना Q0, बट फाइनल स्टेट्स अपनी चेंज हो जाएंगी. जिस भी स्टेट में आपका Q0 आ रहा है, दोज विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल स्टेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे अपना Q1, ये अपनी स्टेट्स हो गई. ठीक है, पहली चीज़. अब दूसरा, इसके ट्रांजिशन हम कैसे बनाएंगे? तो हम देख लेते हैं सिंपली, Q0 पे 0 लगाने से हम कहाँ जा रहे हैं? Q0 पे 0 लगाने से Q0, तो Q0 यहाँ आ गया, नो डाउट इन दिस. Q0 पे 1 लगाने से हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे, तो Q1 भी यहाँ आ गया. ये एक स्टेट है अपने पास में. ठीक है, नेक्स्ट इज सिंपली, फॉर द सिंपलिसिटी, या फिर चलो ये वाला ले लेते हैं हम Q0 Q1. अब हमें क्या करना है इसके लिए? तो सिंपली हमने लिख दिया कि Q0 पे 0 लगाने से हम Q0 पे जा रहे हैं और Q0 पे 1 लगाने से Q1 पे जा रहे हैं. अब हमें कंबाइंड इफेक्ट देखना है कि Q0 पे 0 लगाने से हम कहाँ जा रहे हैं? Q0 पे. और Q1 पे 0 लगाने से, Q1 पे 0 लगाने से हम जा रहे हैं Q1 पे. So this will be a single state. हमने क्या किया है? Again we will say it. हमें दोनों states का 0 पे देखना है कि 0 input लगाने पे हम कहाँ जा रहे हैं. तो हमने यहाँ से देखा Q0 पे 0 लगाने से हम कहाँ गए? Q0 पे. Q1 पे 0 लगाने से, Q1 पे 0 लगाने से हम कहाँ गए? Q1 पे. तो दिस विल बी कंबाइंड एंड स्टेट. और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक कंबाइंड स्टेट है ऑलरेडी. अगेन इफ़ वी टॉक अबाउट द 1,
तो Q0 पे 1 लगाने से हम कहाँ जा रहे हैं? Q0 पे 1 लगाने से हम जा रहे हैं Q1 पे, और Q1 पे 1 लगाने से Q0 और Q1 पे, तो Q1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इसमें आ गया आपका Q0. तो इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, इट विल नॉट इफेक्ट द एग्जांपल, Q0 Q1. ठीक है, तो ये स्टेट भी अपने पास में है. अब Q1 अपना नेक्स्ट स्टेट आ गया Q1. तो Q1 पे हम देखेंगे, Q1 पे 0 लगाने से हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे. तो ये आ गया अपना Q1, और Q1 पे 1 लगाने से हम जा रहे हैं Q0 Q1 पे, Q0 Q1. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू एन इक्विवेलेंट डीएफए. आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पूरा एक स्टेट है. ठीक है, हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे भी दो स्टेट्स ही हमारे पास, यहाँ पे भी दो स्टेट्स हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? नहीं, डिफरेंस है यहाँ पे ये जो Q0 Q1 था, ये अलग अलग स्टेट्स थी, और यहाँ पे उनको हमने एक सिंगल स्टेट कंसिडर कर लिया है. कैसे डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं आप? इसका एक इक्विवेलेंट आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लीजिए. इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम जब हम बनाएंगे, तो हमने लिख दिया Q0 और Q1, दो हमने स्टेट्स बना दी. अब जीरो लगाने पे Q0 पे ही जा रहे हैं हम, Q0 पे 0 लगाने से 0 पे ही जा रहे हैं, और Q0 पे 1 लगाने से Q1 पे जा रहे हैं, Q0 पे 1 लगाने से हम Q1 पे जा रहे हैं, Q1 पे 0 लगाने से Q1 पे ही जा रहे हैं, Q1 पे 0 लगाने से हम Q1 पे ही रह रहे हैं, एंड Q1 पे 0 लगाने से, सॉरी Q1 पे 0 लगाने से, और Q1 पे 1 लगाने से हम Q1 पे भी रह रहे हैं और Q0 पे भी जा रहे हैं. मतलब ये 1 लगाने पे हम Q1 पे भी रह रहे हैं और 0 पे भी जा रहे हैं. ये आपका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बन गया है इस NDFA का. यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ कि 1 लगाने पे मैं Q1 पे भी रह रही हूँ और मैं Q0 पे भी जा रहे हैं. वहीं अगर हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे इस वाले का, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा बनाने की कोशिश कर लें जिसमें हमारे पास में 3 स्टेट्स होंगी. तो यहाँ हम बना लेते हैं उसको. तो 3 स्टेट्स हमें मेंशन करना है, दैट इज Q0, Q1 एंड Q0 Q1. तो हम जब बोल रहे थे इनकी, वहां पे Q0 Q1 अलग अलग स्टेट्स होंगी, और यहाँ पे हमने इनको कंबाइंड एक स्टेट माना है. Q0 1 और Q1 जब एक साथ में है, तो यहाँ पे हमने बना लिया. Q0 पे 0 लगाने से हम Q0 पे ही रह रहे हैं, Q0 पे 0 लगाने से हम Q0 पे ही रह रहे हैं, Q0 पे 1 लगाने से हम Q1 पे जा रहे हैं, Q0 पे 1 लगाने से हम Q1 पे जा रहे हैं. अब Q0 Q1 की बात करते हैं, 0 लगाने से भी हम उसी स्टेट पर रह रहे हैं और 1 लगाने से भी. तो एक लूप बना देते हैं जिसमें हम 0 और 1 साथ में लिख देते हैं. ठीक है, Q1 पे 0 लगाने से Q1 पे ही रह रहे हैं, Q1 पे 0 लगाने से, तो Q1 पे 0 लगाने से हम Q1 पे ही रह रहे हैं, और Q1 पे 1 लगाने से हम Q0 Q1 पे जा रहे हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया है आपका डीएफए में और एनडीएफए में, कि यहाँ पे अपने पास में 3 स्टेट्स हो गई हैं, जिसमें से भी एक स्टेट दो स्टेट्स का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है. मतलब यहाँ पे अपने पास में 3 यूनिक स्टेट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास में 2 यूनिक स्टेट्स हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम एनडीएफए टू डीएफए. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल, कमेंट, एंड you can share our channel, gurukp.com. Thank you.